हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग 2.6 का छोटा मोटा और भी चेंजेस होने वाला अपडेट के बाद उसके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि टेंसेंट का एक गेम इंडिया में प्री रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्टार्ट हो चुका है। और क्या लगता है कि टेंसेंट का ये गेम लॉन्च होने का कितना दिन बाद, कितना घंटा बाद जाने वाला है, या इस बार गरीना और टेंसेंट मतलब दोनों का कोलैबोरेशन से ये गेम लॉन्च होने वाला है, क्या इस बार हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट का जितना भी गेमिंग लॉ है सबको फॉलो करके ये गेम आएगा सो डैट वो आगे जाके कभी भी बैड ना हो। ये चीज़ तो टाइम आने से पता चलेगा। बट कौन सा गेम है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप चाहोगे तो इंडिया में बैठ के वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ये गेम लॉन्च होने का पूरा पूरी चांसेस है, मतलब मंथ ऑफ जून में। ये गेम का ऑलरेडी मैं CBT दिखा चुका हूँ, क्लोज बीटा टेस्ट, और उसका नाम है अनडॉन, आप सबको पता ही है। तो अभी ये आपको इंडियन प्ले स्टोर में भी देखने को मिल रहा है। तो इधर आप देख पा रहे हो प्ले स्टोर में, हम लोग क्लिक करेंगे, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे अनडॉन, और इधर आप देख पा रहे हो कि ये गेम बोल सकते हो प्री रजिस्ट्रेशन करने के लिए आ चुका है। इंस्टॉल का बगल में अगर आपको टाइमर दिख रहा है मतलब वो अभी इंस्टॉल नहीं होगा, वो प्री रजिस्ट्रेशन करने के लिए जा रहा है। पहले प्री रजिस्ट्रेशन लिखा आता था, अभी इंस्टॉल का बगल में टाइमर दिखता है। तो इसमें हम लोग क्लिक करते हैं, और मैं बता देता हूँ ये इंडियन प्ले स्टोर ईमेल आईडी है, ना कि बाहर का है। तो अब इसको कर सकते हो प्री रजिस्ट्रेशन, बट मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये गेम टिकेगा कि नहीं। लेवल इन्फिनिटी इनडायरेक्टली टेंसेंट ही है, आप सबको पता ही है। अगर आप पबजी में खेलते तो आप देखे होंगे लोडिंग स्क्रीन में लेवल इन्फिनिटी दिखता है, क्योंकि वो टेंसेंट अलग नाम है और ये आपको दिखाई दे रहा है। और ये गेम काफी अच्छा ओपन वर्ल्ड गेम है, और आपको पता है कि टेंशन का जो गेम क्वालिटी होता है वो नेक्स्ट लेवल होता है। अगर ये गेम चल जाता है विदाउट बैन तो समझ लेना फ्यूचर में और भी बहुत सारा गेम आने वाला जो कि इंडियन गेमिंग लॉ को फॉलो करते हुए आएगा, और वो आगे जाकर बैन ना होगा, जिसमें तो डेटा तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगा, जिससे सबसे पहले तो गवर्नमेंट उसको उड़ाई देगा। क्या लगता है ये गेम जाएगा कि नहीं, और जाएगा तो कितना दिन में जाएगा, मतलब लॉन्च होने का कितना दिन बाद जाएगा या कितना घंटा बाद जाएगा, वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल आप प्रीरजिस्टर करके रख लो, जाएगा तो जाएगा। तो एंड्रॉयड एंड iOS दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड्रॉयड में तो एक्सपेक्टेड डेट नहीं पता चलता, बट अगर आप iOS यूज़र हो तो अगर आप अनडॉन सर्च करोगे तो इसका जो प्री ऑर्डर करने का नीचे आपको दिखाई देगा एक्सपेक्टेड 30 जून 2023। जी हाँ, 30 जून 2023 का एक्सपेक्टेशन है कि इसके अंदर ही आपको गेम देखने को मिल जाएगा। बाद में अगर एक्सटेंड होता तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल आप जानकर रखो नेक्स्ट मंथ कभी भी लॉन्च हो सकता है, और अगर लॉन्च होता तो मैं डेफिनेटली इसको कवर करूँगा। काफ़ी अच्छा गेम है, ऑब्वियसली अगर इंडिया में जो ऑपरेट होगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। आपके पास थोड़ा सा अच्छा सा डिवाइस भी होगा ना, इसमें आप खेल सकते हो। थोड़ा सा आपको ओपन वर्ल्ड एडवेंचर गेम चाहिए तो इस तरह का आप गेम देख सकते हो। गेम का क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि टेंशन ऑलरेडी बिल्ड कर रहा है, आप सबको पता ही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चल गया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं 2.6 का अपडेट का एक मेजर चेंजेस जो कि काफ़ी लोगों को ठीक ठाक लगने वाला है। तो गाइस, आपको ये कि हम लोग का अलग अलग सेक्शन में बहुत सारे गन्स दिखाई देता है, व्हीकल्स दिखाई देता है, और कुछ कुछ जो व्हीकल्स होता है ना वो सेम ही देखने को लगता है, बट अलग अलग कैटेगरी आपको देखने को मिलता है। लाइक यूएस का आपको पता है 3 कैटेगरी है, और मैं आपको कुछ दिन पहले दिखाया था बीटा वर्जन में कि यूएस का एक जो कैटेगरी है वो हटा दिया गया, जो कवर्ड क्लोज यूएस था। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा यूएस। इधर आप देखो 3 टाइप का यूएस दिखाई दे रही है, बीजीएमआई के अंदर मैं दिखाता हूँ, बट अगर आप पबजी बीटा में जाओगे ना तो आपको 2 टाइप का दिखाई देगा। सबसे पहले कवर्ड यूएस और सेकंड ओपन यूएस, और जो क्लोज वाला जो यूएस है ना ये उसमें से गायब हो चुका है। ठीक है, अब एक चीज कंफर्म हो चुका है, ये जो बोल सकते हो क्लोथ वाला यूएस है ना, इसका स्किन कहीं भी जाने वाला नहीं है, ना ही डिस्पेंटर होने वाला है। आपका ये जो स्किन्स है ना जो कि क्लोथ वाला में है, ये इसको उठा के पबजी मोबाइल इसके अंदर डाल देगा। तो आप इधर से कोई भी स्किन को सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब क्लोज यूएस में दोनों ही आपको कैटेगरी देखने को मिलेगा। जो आपको स्किन पसंद है तो आप उधर से ले सकते हो, केवल एक कैटेगरी इधर से हट चुका है। आपको अगर क्लोज यूएस का स्किन लेना है, क्लोथ और नॉर्मल वाला दोनों एक साथ ही दिखने को मिलेगा, जो पसंद आप वो इक्विप करके यूज कर सकते हो। कभी कभी जो यूएस आप खोजते हो मिलता नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा वैरायटी है। अब एक वैरायटी कमने के चलते आपको इजीली और भी मिल सकता है यूएस, और इजीली आप स्किन को यूज कर सकते हो जो आपको चाहिए। ठीक है, ये केवल एक ही व्हीकल में इंप्लीमेंट नहीं हुआ, एक और व्हीकल है जहां ये चीज इंप्लीमेंट हुआ, वो अगर आप जाओगे सीदान में तो आपको पता है कि आपको इधर 2 कैटेगरी का दिखाई दे रहा। सबसे पहले तो डासिया दिखाई दे रहा, सबसे नीचे QRP दिखाई दे रहा, और बीच में आपको ये वाला दिखाई दे रहा जिसका नाम है मिराडो। ठीक है, तो अब मिराडो का क्या क्या, एक क्लोज मिराडो है, ओपन मिराडो है, ये लोग क्या क्या क्लोज एंड ओपन मिराडो को एक साथ मर्ज कर दिया है। मतलब एक ही आपको मिराडो दिखेगा, उसमें दोनों टाइप का स्किन दिख जाएगा और उसको आप इक्विप कर सकते हो। मतलब अलग अलग आपको नई कैटेगरी में सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको दोनों कैटेगरी का एक ही में देखने का, जो स्किन आप इक्विप करना चाहते हो एक ही में आपको इंप्लीमेंट होते हुए दिख जाएगा। ठीक है, तो 2 चीज़ आपको समझ में आ गया, और उसके साथ साथ एक वेपन कैटेगरी में भी ये चीज़ इंप्लीमेंट किया गया। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा वेपन कैटेगरी। तो इधर हम लोग चलते हैं वेपन्स में, और उसके बाद आप देख पा रहे हो इसमें हम लोग चलते हैं मिली में। मिली में आप देख पा रहे हो 4 टाइप ऑफ कैटेगरी दिखाई दे रहा है। सबसे जो मेन चीज़ है पबजी का साइन है वो है भाई पैन, तो पैन में कोई भी चेंजेस नहीं है, पैन जैसा पहले था वैसे ही है। बट और भी आपको 3 मिली दिखाई दे रहा है, जिसमें सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा मच्छेटी,
उसके बाद आप देख पा रहे प्रो बार और उसके बाद आपको दिखाई दे रहा सिकल, ठीक है। ये तीन कैटेगरी दिखाई दे रहा है। पबजी वाली ये अपडेट के बाद क्या करेगा, ये तीनों कैटेगरी को ना मर्ज कर देगा, ठीक है, तीनों एक ही साथ आ जाएगा। और उसके बाद जितना भी स्किन है ना, मतलब आप देख पा रहे ये कैटेगरी में जितना स्किन है, ये कैटेगरी में जितना स्किन है और ये कैटेगरी में जितना स्किन है, सबको एक ही में मर्ज कर दिया जाएगा। मतलब सब स्किन एक ही जगह मिलेगा, आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सी 2.6 का अपडेट के बाद दो ही मिली मिलेगा, एक पैन मिलेगा और उसके साथ साथ ये आप देख पा रहे स्किन में ये मिलने वाला है, और जो स्क्रीन आप इक्विप करके रखोगे तो वो स्क्रीन आपका लग जाएगा, ठीक है। तो तीनों कैटेगरी का केवल अभी एक ही बोल सकते हो वेपन है, और स्किन सब कहीं नहीं जाने वाला, स्किन जहां आप छोड़े थे उधर ही आपको मिलने वाला है। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत है। जाते जाते एक और चीज़ आपको पता है कि जब भी हम लोग चिकन डिनर निकालते हैं तो अपना स्क्वाड में जो बंदा एमवीपी होता है तो वो स्टैचू लगा सकता है, आप सबको पता ही है पीजीएमए के अंदर भी है। तो जनरली क्या होता था, स्टैचू के साथ साथ आप जब स्टैचू लगा देते थे तो आप अपने टीम मेट एक थम्सअप कर सकते थे, बट अभी ये अपडेट के बाद आप हो सकते स्टैचू लगाने के बाद डांस भी कर सकते अपने स्क्वाड के साथ। डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, विनिंग के बाद थोड़ा सा सेलिब्रेशन भी हो जाए तो क्या खराब है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो ये छोटा छोटा चेंजेस था मैं आपको दिखा दिया, जो कि ये अपडेट में आपको देखने को मिल जाएगा। चलो आज के वीडियो के इतने रखते हैं, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।